हेलो भाई, मैं आपके टीवीएस की एक गाड़ी स्टार सिटी प्लस के नाम से है। उसको लोग बाग बड़ा ताना दिया करते थे कि बंद हो गई, डिस्कंटिन्यू हो गई, लोग बाग उसको खरीद नहीं रहे। लेकिन उसने भाई इस महीने सबको शौक करके रख दिया। सबको अभी शौक नहीं किया है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर शौक हो जाओगे। मैं तो एकदम शौक हो गया भाई। अब ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज अपन 110 सीसी की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे, इवन पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइजेस भी जानेंगे और पावर, टॉर्क, माइलेज, कर्वेट, कलरफुल, टॉप स्पीड ये सब भी जानेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, काफ़ी मजा आने वाला है भाई वीडियो में। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि अपने को 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं इस साल के एंड तक। आओ फटाफट शुरू करते हैं। हमारे इंडियन मार्केट में 110 सीसी की ज़्यादा गाड़ियाँ तो नहीं बिका करती हैं, लेकिन हाँ 8-9 मॉडल आपको मिल जाते हैं। तो 8वें नंबर पे आई है स्टार सिटी प्लस, लास्ट में आई है, लेकिन फिर भी अच्छा बिकी है भाई। जून में 471 यूनिट बिकी है, जबकि मई में 0 यूनिट बिकी थी। मतलब 471 गाड़ियों को इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी 0 यूनिट से तो 471 यूनिट बढ़िया है ना भाई, 471 यूनिट कुछ होता है। अभी ये गाड़ी 96,228 रुपए तक मिल जाती है अपने को ऑन रोड। इसमें पावर मिलता है 8.0 8 BHP का, टॉर्क मिलता है 8.7 Nm का, 67 से 70 के बीच में माइलेज मिल जाता है, 115 किलो का कर्वेट मिल जाता है, 9 कॉलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 90 प्लस आपको इसमें टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। ये इकलौती ऐसी गाड़ी है इस सेगमेंट की जिसमें आपको LED हेडलाइट वगैरह मिला करता था पहले, लेकिन अब पैसन एक्सटेक वगैरह में आ गया है ना भाई, इसीलिए ये थोड़ा सा अब सेगमेंट की ज़्यादा भड़कदार गाड़ी नहीं रही। हालांकि ये देखने में छोटी छोटी सी भी लगती है भाई, और हाँ इसमें USB वगैरह भी मिल जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर पे है भाई बजाज की CT 110X। ये भाई 5,929 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में आंकड़ा 5,229 यूनिट का था। मतलब 700 गाड़ियों का इंप्रूवमेंट हुआ है CT 110X के सेल्स में। ये देखो वही लोग लेते हैं जो सामान वगैरह कैरी करते हैं, थोड़े रोड पे यूनिक दिखना चाहते हैं। नॉर्मल लोग तो प्लेटिना वगैरह लेके मौज काटते हैं। ये भाई प्लेटिना के ही प्राइस में आज के रेट में मिल रही है भाई, 83,639 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है। इसमें पावर मिलता है 8.48 BHP का, 9.81 Nm का टॉर्क, बिल्कुल ही प्लेटिना जितना पावर है। हालांकि इसमें गियर एक कम मिलता है, प्लेटिना में आपको 5 गियर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसमें 4 गियर मिलता है। माइलेज आपको 65-70 का मिल जाता है। इसमें भी 127 किलो इसका वजन है। ये इकलौती ऐसी गाड़ी 125 सीसी बोल रहा हूँ, 110 सीसी की, जिसमें आपको 127 kg का करवेट मिलता है। बहुत ही वजनदार गाड़ी और बहुत ही मजबूत गाड़ी है। हालांकि कलर ऑप्शन इसमें आपको 3 ही मिलता है, बाकी 90 प्लस आपको इसमें टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी 6ठे नंबर पे है होंडा की लिवो। ये भी मेरी फेवरेट बाइक है भाई, 110 सीसी की। इसकी 7,038 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में 7,796 यूनिट बिकी थी। मतलब 758 गाड़ी कम बिकी है लिवो की। पिछले महीने अच्छा बिकी थी, लेकिन इस महीने थोड़ा सा इसका मार्केट ढीला रहा। ये 91,504 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड, थोड़ी महंगी है भाई। इसमें पावर मिलता है 8.67 BHP का, टॉर्क मिलता है आपको 9.30 Nm का, 60 KMPL का माइलेज, 113 किलो करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 85 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। लिवो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है भाई, बहुत ही बढ़िया। लेकिन पता है एक ही चीज़ की वजह से मार खा जाती है ये। पहले नंबर तो इसमें एक गियर पोजीशन नहीं मिलता, और हाँ एक और चीज़ की वजह से मार खाती है, प्राइसिंग थोड़ा सा महंगी है। अगर 85-86 हज़ार तक आती ना भाई, तो बहुत ही बढ़िया इसका सेल होता। खैर आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे होंडा की CT 110 Dream। ये लिवो का ही छोटा भाई है भाई। इसकी 7,234 यूनिट बिकी है, 7,234, जबकि मई में 7,027 यूनिट बिकी थी। मतलब भाई 207 गाड़ियों का इम्प्रूवमेंट हुआ है CT 110 के सेल में, 207 गाड़ियों का। अभी ये 86,862 रुपये तक मिल जाती है आपको ऑन रोड। इसमें पावर मिलता है 8.67 BHP का, टॉर्क मिलता है 9.30 Nm का, 60 KMPL का माइलेज, 112 किलो कर वेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 86 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। CT 110 भाई स्प्लेंडर से मच बेटर बाइक है, लेकिन फिर भी भाई लोग बाग स्प्लेंडर लेते हैं 90,000 रुपये का बेस वेरिएंट, जबकि CT 110 लोगे तो आपको 86,862 रुपये में ही साइलेंट स्टार्टर मिल जाएगा, इंजन किल स्विच मिल जाएगा, 110 सीसी का पावरफुल इंजन मिल जाएगा। लेकिन भाई किसको ये दिखता है, लोग बाग तो स्प्लेंडर के पीछे पागल है। खैर बात करें अगली गाड़ी की, तो 4थे नंबर पे है रेडियोन। अभी इसको भी हल्के में मत लेना भाई, 10,274 यूनिट बिकी है, 10,274 यूनिट है, जबकि मई में 10,465 यूनिट बिकी थी। मतलब 191 गाड़ी है रेडियोन की कम बिकी है। ये भाई 91,805 रुपये से शुरू हो रही है आज के रेट में। ये भी थोड़ी महंगी है, हालांकि स्प्लेंडर से तो महंगी नहीं है भाई। स्प्लेंडर तो कहाँ
बहुत महंगी है भाई वो। खैर इसमें पावरफुल इंजन मिलता है भाई, 8.0 HP का 8.7 का टॉक निकाल के देता है वो इंजन, 65-60 का माइलेज मिलता है इसमें, 70 नहीं मान के चलो भाई क्योंकि ये थोड़ी हैवी गाड़ी है, मतलब देखने वाइज नहीं हैवी लगती है और इंजन वाइज हैवी नहीं है और कर्वेट वाइज हैवी नहीं है, बस इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो थोड़ा तगड़ा है तो इसीलिए माइलेज थोड़ा कम देती है। 113 किलो इसका वजन है, 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 90 प्लस आपको टॉप स्पीड इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी तीसरे नंबर पर TVS की स्पोर्ट है, इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा 110cc की बाइक TVS वालों के पास ही है भाई। अभी ये स्पोर्ट को माइलेज की किंग कहा जाता है भाई, इसकी 11619 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में 12757 यूनिट बिकी थी, मतलब 1138 गाड़ियों का गिरावट, बाप रे बाप। इनकी स्पोर्ट ही सबसे ज़्यादा बिकती है लेकिन अब वो भी धीरे धीरे गिरने लगी भाई मार्केट से। ये 75,466 रुपये तक मिल जाती है आपको, इसमें पावर मिलता है 8.18 BHP का, टॉर्क मिलता है 8.7 Nm का, 70 KMPL का माइलेज, 112 किलो कर वेट, 7 कलर ऑप्शन, बाकी 90 प्लस आपको टॉप स्पीड इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी दूसरे नंबर पे पैशन एक्सटेक है, अभी इस गाड़ी के बारे में कौन नहीं जानता, लोग बाग इसके पीछे पागल हुआ करते थे जब ये लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी भाई धीरे धीरे इसका डाउनफॉल आ चुका है। ये 13,100 यूनिट बिकी है जून में, जबकि मई में 22,327 यूनिट बिकी थी, मतलब 9,227 गाड़ियों का गिरावट हुआ है पैशन एक्सटेक के सेल्स में, बाप रे बाप है। ये 97,063 रुपये तक मिल जाती है, ये भाई बहुत ही महंगी है यार, इकलौती यही एक ऐसी गाड़ी 110cc की जो इतना महंगी है, मतलब 97-98 हज़ार तो मैं बोल रहा हूँ ऑन रोड आती है, लेकिन शोरूम वाले आपको 1,01,000 1,02,000 से कम का नहीं देंगे क्योंकि एसेसरीज देंगे तभी तो बेचेंगे ना। खैर इसमें पावरफुल इंजन भी मिलता है भाई, सबसे ज़्यादा इसी का इंजन जनरेट करता है 110cc में, 9 BHP का पावर और 9.29 Nm का टॉर्क है, 60 KMPL का माइलेज, 117 किलो का कर वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 90 प्लस आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। हीरो वालों ने पावरफुल इंजन तो बनाया चलो ठीक है, लेकिन 5 गियर नहीं दिया, लेकिन बजाज वालों ने पावरफुल नहीं बनाया फिर भी 5 गियर दे दिया, मतलब आप किसको बढ़िया बोलेंगे भाई आप बताओ, मेरे हिसाब से तो बजाज वाले ही बढ़िया हैं भाई क्योंकि इनके इंजन में उतना दम नहीं है। खैर पैसन एक्सटे का कहानी मैंने बता दिया, बात करें अगली गाड़ी की तो नंबर 1 पे आई है हमेशा की तरफ प्लेटिना सीरीज। प्लेटिना सीरीज की बात नहीं करेंगे, प्लेटिना 110 की बात करेंगे ओनली। इसकी भाई जून में 33,101 यूनिट बिकी है, इसको भी हल्के में नहीं लेने का भाई, मई में बिकी थी 30,239 यूनिट, मतलब 2,862 गाड़ियों का इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले महीने के मुकाबले, इस महीने के सेल्स में 2,862 गाड़ियाँ, वाह भाई वाह। ये भाई 84,566 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड आज के डेट में, पहले तो 83,000 तक मिला करती थी, थोड़ा इसका प्राइस बढ़ गया है भाई। इसमें भी आपको 8.48 BHP का पावर और 9.81 Nm का टॉर्क मिलता है, 70 KMPL का माइलेज, 119 किलो कर वेट, 6 कलर ऑप्शन, बाकी 90 प्लस आपको टॉप स्पीड इसमें देखने को मिल जाता है। लोग तो 100 भी टच करा देते हैं, मैंने भी भगाया है भाई 100 तक है। तो यही कहानी है भाई 110cc की सारी गाड़ियों का, यू आप सभी को मजा आया होगा। बाकी हाँ एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो मैंने प्लेटिना 110 का सेल्स बताया उसमें प्लेटिना 100 का भी इंक्लूड है, और जो पैशन एक्सटे का सेल्स बताया उसमें पैशन प्लस का भी इंक्लूड है, अलग अलग नहीं हो रहा था इसीलिए मैं नहीं कर पाया। आई होप आप सभी को इस वाले वीडियो में मजा आया होगा, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना भाई। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।